हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई लर्नर्स जोन। मैं रोशन शर्मा आज आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6। और एक एक क्वेश्चन हम लोग डिटेल्स में करेंगे, ईच एंड एवरी स्टेप को हम लोग देखते हुए जाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो जो नंबर है उनका सम है 27। सपोज पहला वाला नंबर अगर x है तो आप सोचिए दूसरा वाला नंबर क्या हो सकता है। ओब्वियसली 27 में से x को जो माइनस करेंगे वो रिमेनिंग नंबर, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट टू नंबर्स बी x एंड लेट टू नंबर्स बी x एंड 27 माइनस x, ठीक है। अच्छा, हमें गिवन क्या है, गिवन है जो प्रोडक्ट है उन दोनों का x और 27 माइनस x का, दैट इज इक्वल टू 182। ये हमारा गिवन है। तो क्या हो जाएगा, जो x इंटू 27 है ये हो जाएगा 27x, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा राइट साइड में 182। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसको पूरा उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और 27 माइनस में हो जाएगा, प्लस 182। तो अच्छा, जीरो लेफ्ट साइड लिखो या राइट साइड लिखो एक ही बात है, इसलिए मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से लिख लूँगा इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए मैंने आपको सिखाया था एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो 1 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट से अगर हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म को इंटू करते हैं तो मेरा प्रोडक्ट कितना मिल रहा है मेरे को, प्रोडक्ट मिल रहा है मेरे को 1 × 182, दैट मीन्स 182। और सम मेरे पास क्या है, सम है मेरे पास माइनस 27, ठीक है। ये होता है सम, मैंने शुरू के वीडियोस में बताया है, आप लोग ज़रूर देखिए, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आता है तो ज़रूर देखिए। तो मेरे को 182 का दो ऐसा फैक्टर चाहिए जिनको प्लस माइनस करके मैं 27 बना सकूं, लेकिन मेरे को तो डायरेक्ट नहीं से पता चल क्या करना है, तो मैं नॉर्मली जाऊंगा, फैक्टर फॉर्म निकालूँ, फैक्टराइजेशन करूँगा। 2 9 18, 2 1 2, ठीक है, 7 1 7, 7 3 21। अब मैं 182 का दो प्रोडक्ट देख पा रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, एक 14 और एक 13। 14 और 13 को अगर मैं प्लस करूँगा, दो मेरे को फैक्टर्स दिख रहे हैं, एक 14 एक 13, और 14 और 13 को अगर मैं प्लस कर सकता हूँ तो ये करने से 27 बनता है, लेकिन मुझे प्लस 27 नहीं चाहिए, मुझे माइनस 27 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, माइनस 14 माइनस 13 करूँगा, राइट। साइन में कुछ भी इधर उधर करके हम, मुझे सिर्फ ये सम बनना चाहिए जैसे भी, ठीक है, इन दो प्रोडक्ट को यूज़ करके। तो मेरा बन रहा है माइनस 27, तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक बार क्या लिखूँगा, माइनस 14x, और एक बार क्या लिखूंगा, माइनस 13x। तो मेरा ये जो 27x है ये स्प्लिट हो गया और बचा क्या, 182, दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों में कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 14, इन दोनों में कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, माइनस 13 कॉमन निकालेगा और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 14। क्यों, क्योंकि 13 × 14 182 हो रहा है, तो माइनस अगर कॉमन निकला है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जीरो। आप लोग मेरा पॉइंटर को भी फोकस कीजिएगा, ठीक है, जब मैं बता रहा हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ, तो ये पॉइंटर में फोकस करेंगे तो बात आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बचा हुआ नंबर क्या है, लेफ्ट साइड में बचा x और राइट साइड में बचा 13 माइनस 13, तो मैं लिख लूँगा x माइनस 13, कॉमन को एक बार लिख लिया और बचा हुआ को एक बार लिख लिया, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे क्या पता चल रहा है, एक बार x माइनस 14 इक्वल टू जीरो हो जाएगा और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एक बार x कितना हो जाएगा, माइनस 14 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, और इसी तरह अगर माइनस 13 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा। तो देयर कैन बी टू केसेस, ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर 14 है देन अदर नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस 14, दैट इज इक्वल टू 13।
ठीक है, एक केस ये हो सकता है, ठीक है, एक केस क्या हो सकता है, इफ फर्स्ट नंबर इज, मेरे को एक्स दो आया ना तो मेरे को दोनों ही यूज करना है, फर्स्ट नंबर अगर 13 है तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, देन अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस 13, ठीक है, तो 14, दैट मीन्स दो ही आंसर आ रहा है, दो तो जो दो नंबर है, या अगर 13 है तो 14 आ रहा है, अगर 14 है तो 13 आ रहा है, दैट मीन्स जो दो नंबर है, टू नंबर्स आर, मैं सीधा लिख सकता हूँ यहाँ पे, टू नंबर्स आर, मेरा राइटिंग थोड़ा ऐसा ही है, कॉपी में तो खराब है, आप स्क्रीन में तो और भी खराब होगा, बट आप लोग को समझ में आ रहा होगा, टू नंबर्स आर देयर फोर, टू नंबर्स आर 13 एंड 14, ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट करते हैं, बोला फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम स्क्वायर इज 365। तो कंसेक्यूटिव के बारे में मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार आने वाले नंबर, ठीक है, तो मैं लिख लूंगा, अगर पहला एक कंसेक्यूटिव नंबर अगर x है तो उसका नेक्स्ट वाला x+1 होगा, उसका नेक्स्ट वाला x+2 होगा, इस तरह से, ठीक है, जैसे x अगर है तो दूसरा वाला x+1 होगा, तीसरा वाला x+2 होगा, ऐसे। तो लेट टू कंसेक्यूटिव, अब पॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक है, तो लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर भी, मतलब नेगेटिव आने का चांसेस नहीं है, अगर नेगेटिव आया तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर भी एक्स एंड x+1, ठीक है, इसको अलग रखें, मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको अलग रख देते हैं, ठीक है। तो अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, और एक चीज गिवन है कि उनका जो स्क्वायर है उसका जो सम है वो 365 है, दैट मीन्स x² का प्लस x+1 का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 365, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे a+b² का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता होगा a+b² का फॉर्मूला, a+b² का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², मैंने बोला ना आपको, अगर आपको नहीं आता है मैथ्स, अगर आपको फॉर्मूले भी नहीं आते तो भी मेरा वीडियो देख के आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ और उस स्टेप में आने वाले फॉर्मूला को भी मैं लिख के दे रहा हूँ, तो ऐसे करते करते आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आपको फॉर्मूला वगैरह याद हो जाएगा। तो कोई भी अगर वीक स्टूडेंट है तो उसको घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर कोई भी आपका वीक दोस्त है, कोई भी वीक स्टूडेंट है, उसको मेरा वीडियो रेफर कीजिए, ज़रूर वो सीख जाएगा। चलिए, तो x² + 2ab मतलब 2 × x × 1 प्लस b² मतलब 1², ठीक है, मैंने x+1² का फॉर्मूला बैठा दिया, अब आ जाएगा 365। तो x² और x² + करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x² और यहाँ पे +2x, यहाँ पे +1, ठीक है, ये पूरा का (2x) हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 365। अच्छा, 2x² + 2x + 1, ये 365 को लेके आइए लेफ्ट साइड में, ये माइनस हो जाएगा, क्यों, राइट साइड में ये प्लस में था, ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2x² + 2x - 364 बच जाएगा, है ना, नेक्स्ट स्टेप में। चलिए, अभी 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को कॉमन में निकाल लेते हैं, x² इधर क्या बचेगा, 2 × 1 = 2, दैट मीन्स x, और यहाँ बचेगा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 182 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, जो 2 का क्या होगा, 2 तो 0 के नीचे अगर चला गया, या अगर आप इसको 9 के फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो भी 2 एक फैक्टर और बाकी बात जितना भी ये ब्रैकेट में ये एक फैक्टर, तो या तो 2 = 0 या दूसरा वाला जो ब्रैकेट में = 0, ये आप सिंपल सा ये समझ लीजिए 2 0 के नीचे चला गया, तो बचना क्या है, आपने आखिर घूम फिर के बचना यही है, ठीक है। अच्छा, अब 182 का फैक्टर मुझे चाहिए और मुझे बनाना है 1, है ना, तो 182 का जो फैक्टर है मुझे बनना चाहिए 1 + 1, तो 182 का फैक्टर तो मुझे ऐसा कुछ ख्याल में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, प्रोडक्ट मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट है, देखो इससे आप अगर 182 को इंटू करोगे तो मेरा प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट ये रफ है, मेरा प्रोडक्ट बनता है कितना,
1 into minus 182, that is equal to minus 182, ठीक है। और मेरा सम कितना है मेरे पास, सम जो होता है फिर से बता रहा हूँ, जो मिडिल टर्म होता है x, उसका कोफिशियंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1। अब मैं 182 का फैक्टर करूँगा और मैं पता करूँगा कि मुझे क्या करना है इधर, तो 29 जो 18, 21 जो 2, ठीक है। फिर शायद थोड़ा देर पहले मैंने इस नंबर का शायद निकाला था फैक्टर्स, तो 13, 14 उस टाइम शायद आया था, फिर से देखते हैं, 7, 3 जो 7, 1 जो 7, 7, 3 जो 21, तो मुझे बनाना है 1 इस बार। तो देखिए 7, 2 जो 14, एक फैक्टर 14 है और एक फैक्टर 13 है, ये वाला 14 और 13 को मैं अगर माइनस करूँ 14 से 13 को, तो मेरा 1 बनता है, राइट, मतलब मेरा सम बन रहा है। और अगर इंटू करूँ तो मेरा क्या बन रहा है, माइनस 182, मतलब मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। दैट मीन्स मेरे को स्प्लिट कैसे करना है, एक्स स्क्वायर एक बार प्लस 14x, एक बार माइनस 13x, माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखना और कर देना, ठीक है, स्प्लिट स्प्लिट करना बड़ा ही आसान है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और बीच में क्या बच रहा है, x प्लस 14। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस 13 कॉमन आ रहा है, इधर क्या बच रहा है, लेफ्ट वाले में x बच रहा है और राइट वाले में 13, 14 जो 182, अभी अभी मैंने देखा फैक्टराइज करने के टाइम में। तो मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है, कैसे आ रहे हैं देखिए, x माइनस 13 इक्वल टू, और एक बार x माइनस x प्लस 14 लिख दीजिए, इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार x प्लस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बार x प्लस 13 आ जाएगा क्योंकि माइनस 13 राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 14 आ जाएगा। अब मैंने अभी भी बात किया था पॉजिटिव इंटीजर्स का, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ऑब्वियसली वी हैव टू रिजेक्ट दिस नेगेटिव वन, नेगेटिव वी कैन नॉट टेक, ठीक है। तो x कैन ओनली बी 13, ठीक है, तो x कैन ओनली बी 13 क्योंकि जो नेगेटिव वन वाला वो नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पॉजिटिव इंटीजर बोला है। तो अगर x 13 है तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर जो हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है, वो हो जाएगा x प्लस 1, दैट मीन्स इज इक्वल टू 13 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 14। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 13 और 14, ठीक है। देयरफॉर टू कंसेक्यूटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, ठीक है, आप लोगों को मजा आएगा देख के। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो राइट ट्राइंगल आपको पता होगा ऐसा होता है ना, ये होता है राइट ट्राइंगल, ऐसा टाइप का होता है, और भी दो टाइप का होता है, और दो और एक टाइप का होता है, लेकिन फिलहाल यही बता रहा हूँ मैं। अगर ये बेस है तो ये वाला जो होता है, ये होता है एल्टीट्यूड, ठीक है। तो मुझे क्या बोल रहा है कि एल्टीट्यूड जो होता है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो मैं अगर बेस को एक्स मान लूँगा तो एल्टीट्यूड सीधा सीधा पता चल जाएगा क्या, एक्स माइनस 7, क्योंकि बेस से भी 7 कम, राइट। तो मैं यही लिखूँगा इधर, लेट बेस बी एक्स एंड उसके एल्टीट्यूड भी लिख लेंगे, लेट द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल, बहुत अच्छा राइटिंग में लिख रहा हूँ मैं, बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, देन इट्स एल्टीट्यूड विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है,
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है, या एल्टीट्यूड स्क्वायर भी बोल सकते हैं हम लोग, तो एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ये वाला होता है, ठीक है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, तो जो एल्टीट्यूड है ये कितना है हमारा, एल्टीट्यूड है एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर बैठाइए, बेस कितना है हमारा एक्स, तो एक्स का स्क्वायर बैठाइए, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस मुझे बोला हुआ है, ये हाइपोटेन्यूस 13 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हाइपोटेन्यूस का 13 बैठाइए, ठीक है। अब मुझे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाना है, तो क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो बैठाइए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आप बैठाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इंक का कलर थोड़ा चला गया है, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और जो एक्स स्क्वायर पहले से था वो लिख लिया, 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। अगर आप लोग को याद नहीं है तो थोड़ा सा इतना चीज़ आप लोग रिक्वेस्ट है याद कर लीजिए, ठीक है, अदरवाइज आपको और ज़्यादा लेट होगा, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए लेट हो रहा है, एक बार आप करने लग जाएंगे तो यही क्वेश्चन आपको एक दो मिनट में एकदम ख़त्म हो जाएगा आपको। 2 7 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है माइनस 14x, यहाँ पे आ रहा है 49, और जो राइट साइड में 169 है इसको ले आइए लेफ्ट साइड में, तो माइनस 169 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, आपका माइनस 14x माइनस कितना आ जाएगा 120 इक्वल टू 0। अच्छा 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 जो 14 होता है तो 7x, और माइनस 26 जो 12 होता है तो 60। सेम वही, अब ये दो फैक्टर हमें मिल गए तो एदर 2 इक्वल टू 0, एदर ये जो ब्रैकेट में पूरा इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू 0 तो मेरा हो नहीं सकता है ना, तो वो मैं लिखूंगा नहीं, स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, और अगर सिंपल में समझना है तो ये सोच लीजिए 2 0 के नीचे चला गया, 0 हो गया, ठीक है, और जिसने 9 में अच्छा से पढ़ा उसको अच्छा से समझ में आ भी जाएगा ये, है ना। चलिए, नहीं पढ़ा 9 में अच्छा से तो भी कोई बात नहीं, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ ना, तो 7x मुझे स्प्लिट करना है, और मेरे पास फैक्टर क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और इंटू माइनस 60, दैट मीन्स प्रोडक्ट मेरे पास है माइनस 60, ठीक है, मैं प्रोडक्ट को पी लिख रहा हूँ, ज़्यादा जगह मैं लेना नहीं चाहता स्क्रीन में, और सम कितना हो जा रहा है मेरा, बार बार बोल रहा हूँ, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है मिडिल टर्म माइनस 7, तो मैं अगर 60 को फैक्टर करूँ तो मुझे ये डायरेक्ट मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है 12 5 60 होता है, तो मैं डायरेक्टली दो फैक्टर लिख लेता हूँ 12 5 60। अगर मुझे ना पता हो तो मैं पूरा फैक्टराइज करूँगा, 2 से स्टार्ट करूँगा, प्राइम नंबर से मैं करता रहूँगा, फिर 2 से ख़त्म होगा तो 3 से करूँगा, फिर 3 से ख़त्म होगा तो 5 से करूँगा, फिर 5 से ख़त्म होगा तो 7 से करूँगा, ऐसे करके मैं ये पूरा फैक्टराइज करूँगा। लेकिन अगर मुझे दिख रहा है डायरेक्टली कि हाँ 12 और 5 दो फैक्टर है जिससे मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, तो डायरेक्ट करने में टाइम बचता है। तो 12 - 5 क्या होता है, 12 - 5 होता है 7, राइट, और मुझे चाहिए -7, दैट मीन्स मुझे क्या करना चाहिए, -12 + 5, अब क्या हो रहा है ये -7, राइट, तो ये वाला मुझे नहीं करना है, मुझे क्या करना है ये वाला जो मैंने नीचे लिखा है, तो इस तरह से स्प्लिट करेंगे, तो कैसे लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर जो 7x है इसको मैं क्या कैसे लिखूंगा, -12x + 5x - 60 = 0, ठीक है। अभी देखिए जो इन दोनों के बीच में कॉमन निकलेगा, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 12, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन निकलेगा 5, तो बचेगा पहले एक्स, फिर नेक्स्ट में क्या बचेगा 5 12 60, 12 बचेगा इधर इक्वल टू 0। एक बार जो कॉमन है उसको लिख लीजिए एक्स माइनस 12, और एक बार कॉमन नहीं है उसको लिख लीजिए एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, एक बार x माइनस 12 इक्वल टू जीरो और एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, एक बार x हो जाएगा 12 और यहाँ पे x हो जाएगा माइनस 5। अभी देखिए जो x है, ठीक है, वो है बेस, बेस मतलब एक लेंथ, तो जो लेंथ है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट, माइनस 5 मतलब जीरो से भी कम, ये लेंथ तो हो ही नहीं सकता, तो वी हैव टू रिजेक्ट नेगेटिव 1, ठीक है। रिजेक्टिव आप लिख लीजिएगा, ये रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 5, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ओनली एक ही पॉजिटिव साइड हो सकता है जो कि 12, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव रिजेक्ट होगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 12, मतलब जो बेस होगा वो 12 हो जाएगा। तो हमें बेस मिल गया, हाइपोटेन्यूज तो पहले से दिया हुआ था, तो मुझे बेस और हाइट निकालने बोला था, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड मुझे निकालना है, फाइंड अदर टू साइड बोला है क्वेश्चन में, है ना। तो एल्टीट्यूड निकालना है, तो एल्टीट्यूड कितना है हमारा, x माइनस 7, दैट मीन्स 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये वाला जो है ये हमने रिजेक्ट किया था, ठीक है, मैंने यहाँ साइड में लिख दिया रिजेक्टिंग, ठीक है। तो बेस आएगा 12 सेंटीमीटर और आपका जो एल्टीट्यूड आएगा वो आएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, 6। ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी किया था, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। ये पाया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल का, दैट वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। ये चीज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। और उस दिन का ये भी पाया गया कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उस दिन का वो ₹90 था, ये भी हमें बता दिया गया है, गिवन है ना। तो बड़ा लग रहा है क्वेश्चन बहुत बड़ा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, ठीक है। एक काम करते हैं, जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, उस दिन जितना आर्टिकल बनाया गया, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स ले लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर क्वेश्चन लोग लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे क्या है, जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस किया उसका ट्वाइस लेने के बाद भी और 3 ज्यादा, दैट मीन्स 2x प्लस 3, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब मुझे गिवन क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखता हूँ या गिवन भी लिख सकता हूँ। बोला है कि टोटल ठीक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खर्चा वो है ₹90। तो मुझे रुपये में दिया हुआ है कि टोटल प्रोडक्शन जो है उसका खर्चा ₹90 आया है। तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने का तो एक और तरीका है ना, कि दिन में कितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यहाँ पर लिख लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वो है 2x प्लस 3 ईच आर्टिकल, ठीक है। तो एक सामान बनाने में मुझे 2x प्लस 3 खर्चा हो रहा है और टोटल में कितना सामान बना रहा हूँ x, दैट मीन्स इन दोनों को इंटू करूंगा तो मुझे टोटल खर्चा मिल रहा है, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो मुझे ये लिखना चाहिए, ठीक है, x इंटू 2x प्लस 3, एक दिन का बनाने का खर्चा और टोटल में एक दिन में कितना बना रहा हूँ, दोनों ही मेरे पास है तो इंटू करेंगे तो टोटल कॉस्ट ही तो आया, और मुझे ऐसे भी फिगर में ये दिया हुआ है 90। अच्छा, यहाँ पे अगर इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 3x और ये हो जाएगा 90। अच्छा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब मेरा यहाँ देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इंटू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स प्रोडक्ट मेरा होगा 2 इंटू माइनस 90, दैट मीन्स -80। मैं प्रोडक्ट को पी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जगह बताना पड़ता है यहाँ पे स्क्रीन में, क्योंकि एक ही स्क्रीन में सॉल्व होगा तो आप लोगों को सुविधा होगा। सम मेरा क्या है, 3 है, क्यों, क्योंकि एक्स का जो कोफिशियंट होता है हमारा मिडिल टर्म वही होता है सम। तो 180 का मुझे इस तरह से फैक्टर करना है कि मुझे मैं 3x बना पाऊँ, ठीक है।
डायरेक्ट मुझे कुछ पता चल रहा है क्या? 12 × 15, 15 × 12 हो सकता है कि नहीं, देखते हैं। मेरे को पता नहीं चल रहा, मैं पूरा पूरी करूँगा। 2 9 = 18, 2 0 = 0, उसके बाद 2 4 = 8, 2 5 = 10, उसके बाद 3 1 = 3, 3 5 = 15। अच्छा, 12 − 15 − 12 3 होता है, तो मेरे को यही, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यही समझ में आ गया क्या करना है। 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो दो फैक्टर मिल रहे हैं मेरे को, एक 12 और एक 15, 12 × 15। ठीक है, तो 15 से अगर 12 माइनस करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? 3 मिलता है। और अगर 15 से, ठीक है, 15 और माइनस 12 लूंगा, क्योंकि मैंने 15 से 12 को माइनस किया है, तो 15 और माइनस 12 को अगर इंटू करता हूँ, यहाँ से देखिए, 15 मैंने प्लस में लिया है, 12 मैंने माइनस में लिया है, तो इंटू भी मैं उसी साइन के साथ करूँगा, 15 प्लस में और 12 माइनस में, तो मेरा प्रोडक्ट भी −180 आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली यार मैंने फैक्टर किया है, तो इसके बाद जो मैं इंटू करूँगा 15 के साथ, तो 180 तो होगा ना, 180 के तो सारे फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर को मैं अगर इंटू करूँगा तो 180 तो आना है, तो सम भी सेटिस्फाई हो रहा है, प्रोडक्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो मैं कैसे स्प्लिट करूँगा इधर? 2x² कैसे लिखूंगा? +15x − 12x − 90 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या लेना है? कुछ कॉमन है, यस कॉमन है x, यहाँ बच रहा है 2x और यहाँ पे बच रहा है 15। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या लेना है? माइनस कॉमन दिख रहा है और 6 2 = 12 हो रहा है, 6 मेरे को कॉमन दिख रहा है, दोनों 6 के टेबल में है। यहाँ बच रहा है एक्स और यहाँ पे बच रहा है +15 6 90, तो एक बार मैं क्या लिखूंगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखूंगा, 2x + 15, एक बार लिखूंगा x − 6 = 0। अच्छा, अब आगे क्या करूंगा मैं? 2x + 15 = 0 एक बार, और x − 6 = 0 एक बार। ठीक है, तो एक बार हो जाएगा 2x = −15 और यहाँ पे हो जाएगा x = 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x = −15, ये जो 2 है x के साथ इंटू में है, तो ये जब जाएगा इक्वल टू के उस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो x का दो वैल्यू आया, एक 6 एक −15/2, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन हो रहा है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता ना, नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्स, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑब्वियसली 1 2 कुछ तो प्रोड्यूस करूंगा ना मैं, या 0.1 0.2 कुछ तो प्रोड्यूस करूंगा, नेगेटिव इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो रिजेक्टिंग दिस नेगेटिव वन, रिजेक्टिंग दिस नेगेटिव वन, रिजेक्टिंग दिस नेगेटिव, तो देयर फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोल रहा हूँ फिर से, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कितना? 6, 6 आर्टिकल एक दिन में, उसी दिन में 6 आर्टिकल प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा? कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आप लिख लीजिएगा, यहाँ जगह ही नहीं है, मैं जगह बताना चाह रहा था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, कितना हो रहा है आपका? 2x + 3 है, मतलब दैट मीन्स 2 × 6 + 3, इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, तो 2 + 6 = 8, 2 6 = 12 + 3, दैट इज कितना बन रहा है कॉस्ट? 15 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट कितना बन रहा है आपका? 15 रुपीज़, रुपीज़ का सिंबल मैं यहाँ लगा देता हूँ, 15 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म हो गया, आप लोग इसका नोट्स ज़रूर ले लीजिएगा, और किसी को देखने में दिक्कत हुआ हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा बड़ा बड़ा लिखना, लेकिन क्या है कि एक ही पेज में मैं पूरा लेना चाहता था, ठीक है, ताकि आप लोग एक ही पेज में पूरा सॉल्यूशन होगा तो आप लोग को और अच्छे से याद रहेगा, अदरवाइज़ मैं दूसरा पेज में भी कर सकता हूँ, अगर आप लोग कमेंट लिखें और कमेंट में बोलें अगर आपको ठीक से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अगर ठीक से नहीं दिख रहा है तो नेक्स्ट टाइम से दो पेज यूज़ कर लेंगे,
अगर ठीक से दिख रहा है तो एक ही पेज में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।